ओम नमः शिवाय। दोस्तों, देवी देवताओं के गांव देवगांव में आप सभी का स्वागत है। देवगांव की इस गुफा में काफ़ी रहस्य छुपे हुए हैं। तमाम देवी देवता देवगांव की इस गुफा में निवास करते हैं। यह स्थल कई तरह के ऐतिहासिक मान्यताओं से जुड़ा हुआ है। यहां कोई भी मंदिर या मूर्ति मानव निर्मित नहीं है, सभी प्रकृति निर्मित हैं। यह जगह काफ़ी धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है, जो अपने आप में अलग महत्व रखता है। इस गुफा में सभी देवी देवताओं का निवास है, इसलिए इस जगह का नाम देवगांव हुआ। और यह जगह काफ़ी प्राचीन है, इतनी प्राचीन कि कोई नहीं जानता कि यह कब बना है। तो आइए दोस्तों, देवगांव की इस गुफा को विस्तार से जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग हैं देवताओं के गांव देवगांव में। और जो मेरे पीछे आपको जो गुफाएँ दिखाई दे रहा है, वो तो गुफा में तमाम देवी देवताओं की मूर्ति है और सारे देवी देवता यहीं पर निवास करते हैं। ये गुफा का मुख्य द्वार है और इसी गुफा में मंदिर है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे और एक एक करके सभी देवी देवताओं का दर्शन करेंगे। मैं अभी गुफा के अंदर प्रवेश कर चुका हूं और आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से है। देखिए दोस्तों, कुछ इस तरह से है देवगांव की गुफा, जिसमें तमाम देवी देवता निवास करते हैं। और ये काफ़ी प्राचीन और धार्मिक जगह है। ये झारखंड का ऐतिहासिक स्थल है और काफ़ी बड़ी गुफा है। इस गुफा में प्रवेश करते ही यहाँ जो सामने आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये यहाँ का मेन मंदिर है। और ये स्वयंभू शिव का मूर्ति विराजमान है यहाँ पर, शिवलिंग विराजमान है यहाँ पर। ये शंभू शिव हैं, जो खुद से निकले हुए हैं, खुद से अवतरित हुए हैं। नाग देवता अक्सर इस गुफा में दर्शन देते हैं और उनका नागमणि भी जलता है। और यहाँ से गुफा के अंदर अंदर ही 2 किलोमीटर अंदर जाने पर एक तालाब मिलता है, जो काफी बड़ी है, लेकिन उसका रास्ता इधर से है दोस्तों, जो सामने जो दिखाई दे रहा है वो। लेकिन वहां तक जाना काफी मुश्किल है और काफी अंधेरा भी है और अंदर विषैले जीव जंतु भी हो सकते हैं या कोई जंगली जानवर भी हो सकता है, इसलिए अभी के समय में तो मुमकिन नहीं है। लेकिन अंदर एक तालाब है और गांव के कुछ कुछ लोग गए भी हैं वहां पर और मंदिर के पुजारी भी गए हैं वहां। देखिए दोस्तों, गुफा के अंदर कुछ इस तरह से है, लेकिन वहां तक पहुंचना आसान नहीं है। देखिए, वही वो रास्ता है, यही वो रास्ता है जो तालाब तक जाता है। और यहाँ पर जाना आसान नहीं है। ऐसा भी बोला जाता है कि अंदर में नागमणि चमकता है और अंदर की तालाब काफी बड़ी तालाब है, काफी प्राचीन है। वहां पहुंच पाना भी सबका सब बस का बात नहीं है, सभी को नहीं पहुंच पाते हैं। गुफा के अंदर कुछ इस तरह से मंदिर बनाया गया है और ये भी काफी प्राचीन है। और यहाँ पर एक एक आकृति जो आपको देख रही है, ये सब आकृतियाँ काफी प्राचीन है और कोई जानता भी नहीं है कि ये मंदिर कैसे बना। और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ कोई मानव निर्मित नहीं है। और ये कब की है ये कोई जानता नहीं है। आप देख सकते हैं इस तरह से काफी संख्या में मंदिर है और उतनी ही मूर्तियां भी है। ये सामने एक मंदिर है, वहां भी शंकर और पार्वती जी की मूर्ति बनाई गई है। और आप इस मूर्ति को देख के अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये कितना पुराना है। ये काफी छोटी मंदिर है, छोटी छोटी हाइट की बहुत सारी मंदिर बनी हुई है। आप लोग देख सकते हैं इतना ही बड़ा है। मैं बाहर से भी दिखाता हूँ आपको। गुफा में अंधेरा होने के कारण आपको विजिबिलिटी उतनी अच्छी नजर नहीं आएगी। देखिए मंदिर का साइज और आकार, जो कि गुफा के अंदर है। और बाहर में फिर एक और छोटा मंदिर है
अभी काफी अंधेरा है, अंदर की साफ नजर नहीं आ रहा है। और इस तरह से बहुत सारे यहाँ पे जितनी भी मूर्तियां हैं काफी प्राचीन है। ये सब जितनी भी आकृतियां हैं ये पुरानी मान्यता से जुड़ी हुई आकृति है। और ये जो बगल में आप देख रहे हैं, यहाँ से नाग देवता हमेशा दर्शन देते रहते हैं, अक्सर ही यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर शिव शंभु भोलेनाथ का निवास स्थान है, तो नाग देवता भी रहेंगे ही, और अक्सर यहाँ से निकलते हैं और दिखाई देते हैं। और ये देखिए सामने में एक और, ये गौ गंगा है जिस तरह से है। और देखिए सामने में एक और छोटा सा मंदिर, यहाँ पर गणेश जी और कार्तिक जी की भी मूर्तियां हैं, देख सकते हैं इस तरह से गुफा के अंदर का दृश्य। हम लोग अभी और आगे जाएंगे और एक एक करके सभी को जानेंगे। ये देखिए काफी संख्या में इस तरह से हैं। इस गुफा में तमाम देवी देवता रहते हैं, इसीलिए इस गांव का नाम भी देवगांव हुआ है। सारे देवी देवताओं का गांव है। ये देखिए फिर एक मंदिर, मंदिर की आकृति है, अंदर में तो कोई मूर्ति नहीं है लेकिन बाहर में बहुत सारे प्राचीन। इस तरह जितने भी आपको पत्थर दिखाई दे रहे हैं ये सभी पूजनीय हैं। और इस गुफा में जितने भी देवी देवता होते हैं सभी का वास है। तो सामने में एक और मंदिर दिखाई दे रहा है, अभी हम लोग वहाँ भी चलेंगे। ये दसभुजी माता का मंदिर इस तरह से है, ये भी काफ़ी प्राचीन है। एक एक मूर्तियाँ यहाँ की प्राचीन है दोस्तों। देखिए दसभुजी माता का मूर्ति, मनोकामना पूर्ति होता है यहाँ पर, ऐसा भी लोगों के द्वारा बोला जाता है। जितनी बड़ी गुफा है उतने ही सारे देवी देवताओं का वास है यहाँ पर, उतने ही सारे मंदिर हैं, बहुत सारे शिवलिंग हैं, लगभग सभी देवी देवताओं की मूर्तियाँ हैं यहाँ पर। देवगांव एक ऐतिहासिक और धार्मिक जगह है, इस जगह का प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि अधिक से अधिक लोग आए और इस जगह के बारे में जान सकें, यहाँ के दर्शन कर सकें। इसका समुचित विकास नहीं हो पाने की वजह से यहाँ अधिक संख्या में लोग नहीं पहुँच पाते हैं। यहाँ पर की कोई भी मूर्तियाँ मानव निर्मित नहीं है, सब प्रकृति निर्मित है। और ये मंदिर कितना पुराना है ये कोई नहीं जानता है, ये इतनी प्राचीन मंदिर है और ये झारखंड की सबसे पुरानी मंदिरों में से आती है, क्योंकि गुमला जिले के पालकोट प्रखंड में स्थित है। पर्यटन विभाग से इसको सार्थक पहल मिल जाए, इस क्षेत्र का प्रचार प्रसार हो जाए तो यह क्षेत्र भी विकसित हो सकता है और इस क्षेत्र में भी लोग दूर दूर से आके भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इसके लोगों में काफ़ी आस्था जुड़ी हुई है, अभी भी लोग आते हैं, काफ़ी दूर दूर से आते हैं लेकिन उतनी संख्या में नहीं पहुँच पाते हैं। ये ऐतिहासिक और प्राचीन मंदिर काफ़ी अच्छी है दोस्तों, यहाँ आके मन को बहुत सुकून मिलता है, ऐसी चीज़ देखने को मिलती है जो कि मानव निर्मित नहीं है। गुफा की हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है, कहीं कहीं पर झुक के भी चलना पड़ता है, लेकिन गुफा की लंबाई काफ़ी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। श्री श्री 1008 श्री बूढ़ा महादेव मंडाधाम देवगांव, महाशिवरात्रि में यहाँ मेला का आयोजन होता है, कलश यात्रा निकाला जाता है और काफ़ी भव्य रूप से अखंड हरि कीर्तन का आयोजन किया जाता है
और महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भक्तों का जन सैलाब उमड़ता है और दृश्य देखते ही बनती है। इस तरह मंदिर के बाहर में नंदी महाराज विराजमान हैं, आप लोग देख सकते हैं। और ये गुफा के बाहर में ही हनुमान जी की एक मूर्ति बनाई गई है, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ देवी देवताओं की प्राचीन मूर्ति है, बगल में एक शिवलिंग भी है। और यहाँ पर हमारे महाबली हनुमान जी, देखिए दोस्तों गुफा कितनी लंबी है, आप लोग देख सकते हैं। चट्टान के नीचे गुफा है, अभी हम लोग गुफा के ऊपर चट्टान में जाएंगे और वहाँ से नज़ारा देखेंगे। इस तरह से यहाँ की समतल चट्टान कितनी बड़ी है और इस पूरे चट्टान के नीचे गुफा है और उस गुफा में ढेर सारे भगवान, बहुत सारे मंदिर और एक तालाब भी है। देखिए दोस्तों वो सामने जो झंडा दिखाई दे रहा है वहाँ तक पहुँचना है मुझे, जो कि काफ़ी दूरी में है। देखिए मैं पहाड़ की चोटी तक पहुँच चुका हूँ, चट्टान की चोटी तक। पूजा पाठ वगैरह कर लिए दोस्तों, भगवान सभी भगवानों का दर्शन भी कर लिए, गुफा भी अच्छी तरह से घूम लिए। अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे, आज का ब्लॉग को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। हमारे वीडियोज को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा।